हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का स्वागत है दिल से दोस्तों। आप लोग ने बोला बोला भैया थोड़ा सा सेविंग सेट करा लो। तो आज मैं दोस्तों सुबह ही उठते ही गया, फटाक से पहले सैलून गया, क्योंकि इसके लिए भी टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाओ समझ लो जिससे लगता है शरीर में आलस आ जाता है। और हमारी बेटू भी देखो, बस हमारे तो देखिए उठ गई है। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। तो ये बेटू की हमारे आंखों में थोड़ा सा हवा लग गया है ना, तो सुबह उठी तो आंखें चिपक जाती है। तो इसके लिए इनकी मम्मी ने हल्का सा गर्म तेल ऐसे ऐसे करके छुड़ा दिया। तो गाइस, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देख सकते इधर जो सामान पड़ा है, 4-5 बैग पड़े हुए हैं, एक बैग इधर पड़ा हुआ है। तो पैकिंग जोर शोर से हो रही है और बहुत सारी शॉपिंग भी हो गई है। कल भी गए थे तो इस पता है मेरा पूरा शॉपिंग भरा हुआ है सामान। तो क्या क्या सामान है दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। बट अभी हम जा रहे हैं किट्टो की बेबी के लिए शॉपिंग करने, और कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह जो भी लेते हैं आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर। तो उससे पहले आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा सा, क्योंकि भी थोड़ा सा नहा धो के उठे हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे। और कल महाशिवरात्रि था, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ भोलेनाथ जी का। हमारी बेटू भी गई थी, हाँ पहली शिवरात्रि मना लिया। और जब ये पेट भी थे तो उस टाइम हम लोग शिवरात्रि पे गए थे, भगवान जी को जल दिए थे। तो गाइस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, मिलते हैं लोग कुछ देर में। और कोमल किचन में अपना देखिए, उधर साफ सफाई वगैरह कर रही, बातें कर रही है, काम भी कर रही है। ऐसे होता है फटाफट काम निपट जाता है जल्दी। तो भाई साहब आए हुए हैं तो उठ के नाश्ता पानी वगैरह बनाना पड़ता है। सो गाइस, विंटर सीजन जब भी आता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बालों में डैंड्रफ एंड इचिंग होने लगती है। तो हम क्या करते हैं कि लेमन का जूस लगाते हैं, जिंजर का जूस लगाते हैं। तो ये चीज़ें करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्या करते हैं हम इसको हटाने के लिए कि मार्केट से शैम्पू लेके आते हैं जो कि केमिकल होता है उसमें, जिससे हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ एंड डल हो जाते हैं। तो इसीलिए मामा अर्थ ने पेश किया है मामा अर्थ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि लेमन एंड जिंजर से मिलके हुआ बना हुआ है। तो गाइस, ये प्रोडक्ट जो है लेमन से बना हुआ है और ये जो है डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और जो हमारे स्कैल्प पे इचिंग होती है वो हमारे स्कैल्प को सूदिंग फील कराता है। सो गाइस, इसमें लेमन के साथ साथ जिंजर के रेंज से भी ये बना है। तो जिंजर क्या है दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो कि हमारे स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन करता है। और ये हमारे डैंड्रफ को कम करने में 100% इफेक्टिव है, और कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये सेफ सर्टिफाइड है और टॉक्सिन फ्री है। तो गाइस, ये मामाअर्थ का लेमन एंड जिंजर रेंज का शैम्पू यूज करने से हमारे बालों के डैंड्रफ बहुत ज़्यादा कम हुए हैं और इचिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और दोस्तों, अगर आप इसका कंडीशनर यूज करते हैं जो कि हमारे बालों को और ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो गाइस, शैम्पू को यूज करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं। तो आप लोग को पता है, आप जब भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मामाअर्थ आपके ऑर्डर को अपने लिंक से जोड़ देगा। और मामाअर्थ का दोस्तों एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का। और ये मामाअर्थ का प्रोडक्ट आपको पर्पल पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजान पे एंड मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप हमारा VK2023 कोड यूज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और आप अपने नियरेस्ट मामाअर्थ स्टोर से भी ऑफलाइन मंगा सकते हैं। और जो आपको दोस्तों डिस्काउंट डिलीवर है वो ओनली मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड मामाअर्थ की ऐप पर है। तो ये जो प्रोडक्ट है 100% मेड सेफ है, डर्मोलॉजी द्वारा टेस्टेड है और प्लास्टिक पॉजिटिव हो। तो मामा जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे कहीं ज्यादा रिसाइकल करता है। और मामा 240 मेट्रिक टन, बोले तो 1000 किलोग्राम पर महीने प्लास्टिक को रिसाइकल करता है। तो गाइस, चलते हैं हम इसे यूज करते हैं। और आप लोग फटाफट डेंडर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मामा अर्थ का लेमन एंड जिंजर का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करिए जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलो यूज करते हैं। तो गाइस, मैंने शैम्पू ले लिया है, 1 सिक्के के बराबर क्वांटिटी में लेना है और अपने बालों में लगाना है और धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करना है। अब इसे हम वॉश करके आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, शैम्पू करने के बाद इनका स्कल्प पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है और काफ़ी हेल्दी अच्छा फील कर रही है ये। सो गाइस, डैंड्रफ से छुटकारा पाना है तो फटाफट जाइए मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मामाअर्थ के नियर स्टोर पे, और मामाअर्थ का लेमन एंड जिंजर का शैम्पू मंगाइए
और डैंड्रफ से पूरा छुटकारा पाइए। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, मार्केट में मतलब शॉपिंग के लिए निकल गए, क्योंकि फरही में जाना है। अभी तक हमने बेबी के लिए शॉपिंग नहीं किया था, तो आज जा रहे हैं भाई कपड़े वगैरह और कुछ पता है एक लेने के लिए चिन्ह वो भी लेना है यार। तो हम लोग फोटो में बैठ गए हैं, तो मतलब हाँ तो सुनाई देगा। और हमारी बेटी देखिए रेडी हो गई हैं, येलो कलर पहने हुए हैं। बेटू बेटू अच्छा। क्या हुआ? पड़ोसन आ रही है। चलो गाइस मार्केट मॉल से मिलते हैं आप लोगों से। सो जाओ क्या हुआ? हम लोग आ गए हैं कपड़े के शॉप पे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े देख रही हैं, अब क्या चीजें भी देख रही हैं, इंडिया के फ्रॉक हैं सब कुछ। एक उधर बैठी हुई है ये गुल्लू को, ऐसे मुंह को यार आप देखो। दो भैया फोन आया गुल्लू आपके लिए, जल्दी पार्टी भी अरे भाई मामा की शादी, तो अब क्या क्या पहने को भी डिसाइड करना पड़ेगा। हां अब ये देखो, ये तो बच्ची अच्छी लेनी चाहिए ना। हां ये वाला ना अंकल बहुत प्यारा लगेगा, बच्ची का कलर फेयर है। हाँ बच्ची का कलर फेयर है, इसको पूरी हटके लेगा बेटा। अंकल जी भी कह रही है अच्छा लग रहा है, तो आप कैमरे करके बताना कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, जो अच्छा लगे। बाकी मैं बैक कैमरे करके बताता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है ना ब्लैक, लेकिन देखते हैं दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरे से। तो ये कलर ये भी है, और वाइट में है, पिंक में है, ब्लैक में है, और ये पीकॉक कलर, ये रेड कलर, बाकी का दिखाई दे भैया। सीक्वेंस लगी है ना इसमें, ये चीज़ बच्चों के ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं, प्यारा है लेकिन सीक्वेंस लगा है। देखते रहो पसंद तो आएगा ही। देखे नहीं लग रहा है, ये भी प्यारा लग रहा है ना, सॉफ्ट है कितना। देखते हैं इसमें कौन सा पसंद आता है इनको। पीछे वो दिखा रही है। हाँ तो पूरा रेंज लगा दिया, वहाँ से स्टार्ट किया है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। समझ में आया कुछ? देखो यहाँ से स्टार्ट है, रेड है, पीकॉक है, ब्लैक है, पिंक है, वाइट है, ये पिस्ता कलर, ये वाला ये है, ये तो मुझे ये मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये गंदा नहीं, गंदा नहीं, ये सीक्वेंस इससे कट जाएगा उसको लगेगा। सब आजकल सीक्वेंस ज़्यादा ही है सब चीज़ में, और जब फिर मामा के साथ खेल रही है। तो हमने इधर फ्रॉक देख लिया था, तो हमके थोड़ा इसका टॉप भी देख लेते हैं। थ्री पीस है ये, थ्री पीस सेट है ना, और ये वाला कलर इसका इसका कलर है, इसका फैब्रिक देखो जैसे मछली ना, अच्छा उसी का कलर है। ये भी बहुत अच्छा है, ये वाला देख चुके हैं पहले, ये तो फ्रॉक से अच्छा लग रहा है मुझे, ये पहले बस ये देखिए इतना सारा दिखा दिए। देखिए अब कटी है पसंद नहीं आया, तो हम बाबू जी देख रहे थे, बाबू जी तो ये वाला है, ये है, ये है, ये है, और भैया भी दिखाई रहे हैं, इसमें देखते हैं कौन। सो गाइस इसी में कपड़े
बेबी के लिए ले लिया है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक रहेगा, बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए बाय बाय, टाटा।